तो दरअसल आज से हम लोग ग्वालथा ग्वालथा जा रहे हैं हम लोग गांव, और हम लॉक लगा रहे हैं यहाँ गांव में। आज दूरबास्टमी दुबड़ी है, तो ये ग्वालथा हमारी छानी है। यहाँ से हम लोग लॉक लगा कर चल दिए, और देखता हूँ कल आते हैं फिर वापस। और आज पूरा गांव जो है सब लोग जाएंगे, तो ये हमारी छानी है। तो मैं आपको ले चलता हूँ आज अपने, एक बार के लिए दिखा देता हूँ मैं। और ये है पूरा ग्वालथा, यहाँ हमारी छानी है। और इस प्रकार से आज जो है सभी के घरों पे लगभग ताला लग गया है, और हम भी चल दिए यहाँ से। और मैं हैं और पापा, दो लोग हैं हम लोग, बाबा और मैं तो चल दिए। बाकी धीरे धीरे जो है शाम तक सभी लोग घर आ जाएंगे। और आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, मेरे साथ बने रहेंगे आप लोग वीडियो के एंड तक। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप करिएगा उसको, बहुत मज़ेदार वीडियो आती है इस पर, इस चैनल पर। और ये देखें लोगों के घर, यहाँ से दिखाता हूँ थोड़ा अंदर जाके, मैं आपको दिखाता हूँ एक गांव जो है, कहें तो आज वीरान हो गया पूरा। सारे ऊपर तक देखें तो किसी की घर, किसी भी घर में जो है लोग नहीं है, सब लॉक लग गए हैं। थोड़ा सा यहाँ दिख रहा है बस, शायद ये एक दो लोग यहाँ होंगे। हालांकि ये जो बचे हैं हम थोड़ा पहले जा रहे हैं, ये अभी आने वाले हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज़ कुलदीप, एंड स्वागत है आप सभी का पहाड़ पहाड़ी का इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं आ जा रहा हूँ अपने गांव। और ये फ़िलहाल पीछे देखें तो ये सभी लोग जो है घर जो दिख रहे हैं ये सब घर खाली हो गए, और कुछ ही लोग बचे यहाँ पे। और उनमें से भी जो है एक हमारी दादी लगती है, ये छोटे जो कुछ कुछ बचे हैं ये लोग, कुछ देर में ये लोग भी आ जाएंगे। और हम चल रहे हैं यहाँ से फिर आगे, क्योंकि पापा चले गए आगे। और फिर दिखा रहे हैं आज आपको हम लोग कातला जाएंगे पैक हॉल, और फिर गांव। काफ़ी दूर हमको जाना पड़ता है, लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है हमको गांव के लिए पैदल। तो अब ले चलते हैं आज आपको अपने, यहाँ के जो रास्ते हैं वो ऐसे जाते हैं, ऐसे ऊपर भी खेत है नीचे भी खेत है। और ये खेत पता कैसे हैं, धान के हैं इधर, हालांकि नीचे लोगों ने सब्जियां भी लगाई है। और पापा चले गए ऊपर उधर, अब मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा लेता हूँ, मुझे उनको ग्वालता से थोड़ी दूरी पे आने पर यहाँ से अगर ऊपर से देखे जाए तो इतना सुंदर दिखता है ग्वालता। हाँ ये पूरा जो जितनी भी दिख रही है ऊपर, यहाँ तक रोड है, उसके बाद नीचे इस धार पे, धारे बोलते हैं हमारे यहाँ, नीचे शेर है। लगभग हमारे गांव की सभीों की छानियाँ हैं यहाँ पे। और यहाँ लोगों का जो कारोबार चलता है फ़िलहाल इसी के थ्रू, इसी के माध्यम से अच्छा इनकम होती है। मैं पहुंच गया, ये ग्वालथा का बैनर लगा है यहाँ पे, और चल इसकी फ़ोटो मैंने ले ली। मैं पहुंच गया हूँ अब, ये रैन बसेरा है। यहाँ पर क्या है कि हालांकि हमारी गाड़ी है, और थोड़ा ये रैन बसेरा टूटा जर्जर अवस्था में है यार। यहाँ पे लोग जो हमारे गांव के हैं, टमाटर की खेती जब टमाटर जब जाता है, हालांकि फेंके हुए हैं और यहाँ पे रखा जाता है, फिर यहाँ पे गाड़ी आती है, यहाँ से जाती है, यहाँ से जाते हैं सभी लोगों का। ये मेन सेंटर है यहाँ पे। रैन बसेरा की स्थिति ख़राब है यार, थोड़ा गवर्नमेंट को सपोर्ट मांगना था इसके लिए, थोड़ा मेंटेन करने को। पर चलो देखते हैं, आप लोग भी कुछ बोलना यार तो बोलिए ज़रा। खरम यहाँ जो हमारे खेत के पड़ोस में रहते हैं पड़ोसी, तो ये हालांकि प्रवासी हैं, मूल रूप से नेपाल से हैं और अभी यही रहते हैं काफ़ी टाइम से। तो ये इनके यहाँ पे जो है ये गुलाब लगा, बड़ा सुंदर लग रहा है यहाँ पे। चलो ले लेते हैं इसकी एक फ़ोटो। और खीरा देखे यार, खीरा देखे नीचे लग रही। और यहाँ दिखाएं इनको, इस तरफ को भी लगी है बहुत सारी ककड़ी है। और दिखाएं अभी कुछ नज़दीक से दिखाऊं तो यार ये लगी यहाँ पे एक बड़ी वाली, वो नीचे लग रही है पीली दिख रही है, और एक ऊपर भी है हरी। ऊपर चढ़े यहाँ से, ये भी है पूरा दिखाएं एक बारी। उपली बिली चल रहा,
हम देख रहे थे यार, थोड़ा खीरा वेरा मिल जाता हमको तो थोड़ा हम घर ले जा लेते। कुछ हमने लाया है, खेत में तो आए हैं। यहाँ से नीचे तक देखें, ये हमारा ही, इस तरफ को देखें पूरा। आज मैंने कॉलर माइक लगा लिया शायद तो वहाँ बोले वहाँ पे लगा जहाँ टमाटर लगे, तो ये देख रहे हैं लोग, ये ठीक ठाक रहे हैं अब। हालांकि अब समाप्त होने की स्थिति में है, यहाँ तो ठीक ठाक, एक तो ठीक ठाक पर हैं। पसीना रहे ना, आप लोग अगर नज़दीक होते तो आपको मैं सब्जी बढ़िया दे देता। दड़िया कैसे, मतलब कि अगर 1 आध किलो चाहिए तो फ्री में देता, 4-5 किलो तक, उसके ज़्यादा आपको रेट तो मिनिमम रेट में, क्योंकि खेत से ले रहे तो कोई बड़ाई सुनी है। शहरों में जाओ भैया तो आधा किलो पाओ, 250 ग्राम का भी आपसे चार्ज ले लेते हैं, तो दो ही मिले बैंड हो खाए था। अभी खा रहे हैं, चल में दो मिली हमको, हमने अभी खा ली। उसे घर के लिए हमने 10-12 रखी है, हमने खच्चर पे दे रखी है, घोड़ा आर पे चूस को लाएगा। हमने कुछ पौधे जो है भांग के भी लगाए हैं, वो इसलिए कि जब यहाँ बर्फ़ पड़ती है तो उस टाइम जो है बॉडी को थोड़ा मेंटेन यानी कि गर्म रखने के लिए हम कोई कोई भांग ले लेते हैं। भांग तो है, और साथ में हम लोग ये सेब के भी हैं। ये प्लांट इधर तैयार हो रहा है, एक यहाँ पे लगे हैं, और ये है इस तरफ से, एक वहाँ पे, यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, और एक इस तरफ को भी है। और साथ ही ये है हमारी हौद, इसमें हम लोग पानी स्टोर किया जाता है, हालांकि आजकल टूट गया थोड़ा बाहर से। अंदर चले यहाँ से, असल हम ग्वालता से थोड़ा जल्दी आ गए, और जल्दी आ गए तो थोड़ा हम लोग यहाँ पे बैठ जाते हैं और थोड़ा टाइम बिता लेते हैं, आधा आधा घंटे तो बैठ ही लेते हैं। उसके बाद पूरी चढ़ाई ऊपर तक जाने में तो आफत आती खैर, और उसके बाद ठीक है। तो अभी बज रहा दिन के 2:15, 2:15 से क्या 2:30 बज गया, और थोड़ा बस आराम कर रहे हैं यहाँ पे, फिर चलते हैं यहाँ से ऊपर। कई वीडियोस में देखा होगा आपने पिछले, तो इसमें हम नहाते भी हैं, और यहाँ से इतना तो सुंदर दिख रहा है ये पूरा आसपास का एरिया। और इस धार में हमको अब जाना है ऊपर, हम पहुँचेंगे कातला, और बाबर मैं हूँ साथ में। चलो फिर तो चलता मैं अभी काफल और बुरास के जंगल के बीच, और इधर दिखाऊं तो ये है काफल का पेड़ दिख रहा है ये ऊपर स्टॉप पर काफल एक उधर था, और ये है बुरांस के पेड़ इस टाइप में, ऐसा ही रास्ता है फिलहाल। ये तो शॉर्टकट है वैसे, ऑफिशियल तो नहीं है। दरअसल ये है काफल का पेड़ सामने दिख रहा है, और ये भी है काफल का ही, और काफल के टाइम पे बहुत बढ़िया काफल आती है यहाँ पे। ये सामने दिख रहा है जो, ये भी काफल का ही है, तो इस तरफ को हम काफल का ही रास्ता है ये पूरा, तो इसका निक नेम भी काफल का रास्ता है, काफल की बाट। हाँ, आगे बढ़े हम थोड़ा, यहाँ पे अच्छा लगता है, यहाँ पे देखें इस तरफ को बड़ा सुंदर है, और ये बांस का जंगल इस तरफ को जहाँ पे हम लोग अभी आए हैं, और इस तरफ पूरा ऊपर यहाँ दिखाएं चीड़ और बांस का मिक्स है दोनों का, दिस इज़ कॉल्ड एलिगेशन। बट हम इसके बाद जा रहे हैं, खरे यार अंग्रेजी अंग्रेजी खैर मुझे नहीं आती है, हम लोग सीधी भाषा में बात करेंगे, अपनी भाषा में, देसी अपनी पहाड़ी भाषा में। तो घर, और उस रास्ते आता हमारा बहुत सारा बांज और मोरू, ख क्या बोलते हैं, खिरसू, खरसू, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं इसमें हमारी भाषा में, तो बान, मोरू, बुरांस, जो भयंकर भयंकर बूट हे ऐसा, ये बाटा ना जब हम लोड वोड था। खैर यार तो इसलिए नहीं बोलते हैं, तुम लोग समझेंगे नहीं अपनी भाषा को। जब हम लोड वोड था ना, तब जैसा हमारे जो गोरु चारा हम लोग ना, जो छोटे थे हम लोग,
गाय चराते तो यही इधर ही लाते हम लोग इस एरिया में, एक फुंडा। खैर पुरानी यादें, शहरों में तो यार ऐसा कहाँ लकड़ी लकड़ी मिलती है, शहर वाले लोग तो इसको रातों रात उड़ा देंगे। हाँ यहाँ के पानी पी के आपको जैसे इनो को ऐड आता ना कि 6 सेकंड में आपको खाना पचा देगा, तो ऐसे कुछ यहाँ का भी है, 6 सेकंड में आपका खाना प्योर पूरा पच जाता है। यहाँ के पानी में कुछ वही पावर है। खैर वहाँ तुम और इसी के साथ हम पहुँच गए हैं कातला। ये है कातला की हमारी छानी ये, और यहाँ हमने बोए हैं मटर, और अरे है हमारा शेर, हमें बब्बर देखने को बढ़िया सा है। और यहाँ भी हमने काकड़े। यार तुमको इस तरफ दिखाऊं मैं तो ये है कातला का बढ़िया सा सीन, सुंदर सा। और ये पूरा कातला है, ये हमारे गांव वालों का है, छानियाँ हैं लोगों की, और ये मटर बो रखे हैं पूरे खेत में, इतने बड़े बड़े प्लॉट हैं यहाँ पे, प्लॉट बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। खैर हम लोग पहाड़ी हैं। सुबह की अगर बात करें तो सुबह सामने से यहाँ से बृहद हिमालय हैं तो वो दिखता है सामने से। अगर कल मुझे समय लगा, जल्दी आया मैं टाइम से, तो मैं कल अगले। ये पूरी मक्की है यार यहाँ पे देखें, अगर ये खेत लगाया था हमने बकरियों के लिए, बकरियों के इसके दाने दाने हम लोग निकाल करके उनको खिलाएंगे बकरियों को, कब ठंडियों में जब यहाँ बर्फ़ पड़ जाएगी। और अरे बाप रे, तो बीजू एक तो बीजू का बना यहाँ पे, अरे एक बब्बर से दूसरा रहा का दरअसल पहाड़ों में और तो हमारे पास इतना कुछ है नहीं, पर लेकिन प्राकृतिक सुंदरता बहुत ज़्यादा होती है हमारे पास, और प्राकृतिक संसाधन की भी पूरी भरमार होती है, पर इनका गलत इस्तेमाल नहीं करना है साथियों। हमारे पास जो वन संपदा है या फिर प्राकृतिक जो भी कुछ है हमारे पास है, इनका गलत इस्तेमाल नहीं करना होता हमें। तो दिखाते हैं अभी आगे। एक हमारे यहाँ स्पेशल डिश होती है अस्के, उसमें से ये एक ये है, इसको दही के साथ खाना पड़ता है। और चलो देखें ज़रा कैसा टेस्ट लगता है इसका। बहुत सारे बने हैं, और एक बार फिर से देख लेते हैं इसको इस तरह। अब चलते हैं यहाँ से फिर, अब घर की ओर चल रहे हैं। अब कातला को अलविदा, अब ले जाते हैं हम आपको पयक हॉल। अब पयक हॉल भी है, बहुत सुंदर वैली है, इससे पहले भी आपने वीडियो में देखा होगा कि काफ़ी अच्छा है उधर भी। खैर आपको ये कैसा लग रहा है यहाँ तो आप मुझे बताओ कमेंट। और ये जो जगह है ये अखोड़था, और यहाँ पे बाहर के लोग प्रवासी रहते हैं। हमारे गांव की है ज़मीन, और पूरा जंगल है यहाँ पे, रिजर्व फॉरेस्ट है, और हमारे यहाँ के तो नहीं रहते यहाँ पे, उन्होंने पहले आलू निकाल करके मटर लगा रखी यहाँ पे। और हमको यार एक कुछ मिला है, मोटू है। हाय कर मोटू, हाय हाय, आता तेरे को करना ऐसा ऐसे कर ऐसे फिर। और ये क्या नाम है इसका, क्या नाम क्या है इसका कोई बात नहीं, ये जंगल में मिलते हैं इनको, और दिन भर मशक्कत के बाद इसको ये मिला। काफ़ी अच्छा है ये दिखने में, और ये बिकते हैं काफ़ी कॉस्टली। अब देखिए भाई इसमें कोई इलीगल तो घर क्या बोले इनको, अच्छा है खूब दिन भर मेहनत के बाद मिलते हैं। और चलो तेरी मेहनत रंग लाई भाई चल ठीक है। अच्छा थोड़ा पानी पी लेते हैं यहाँ पे। अब दरअसल पहाड़ों में हम लोग पानी साथ में नहीं लाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कहीं ना कहीं पे हमें पानी मिल ही जाता है। पानी चाहे कहीं पे मिले वो यहाँ पे साफ़ ही होता है, यानी कहने का मतलब पीने लायक ही होता है, बेकार फालतू पानी तो यहाँ मिलता ही नहीं है। बस थोड़ा सा डिफरेंस हो, थोड़ा सा अंतर ये होता है कि थोड़ा ऊपर पे हम लोग पीते हैं, नीचे पशु पी लेते हैं हमारे। और ठीक है दोनों सादा जीवन है, बस इसी सादे जीवन से पहाड़ चल रहा है, पहाड़ के लोग चल रहे हैं। सामने जो उस तरफ को देखें यहाँ पे, यहाँ सेब के बगीचे भी हैं, वहाँ पे भी हैं। और पहले कुछ टाइम तो बंजर ही पड़ गए थे, लेकिन पिछले लॉकडाउन से जो है
स्थिति थोड़ा काबू में आ गई है। लोग बाग वहाँ रह रहे हैं, अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ठीक है। अरे भाई, शहरों में धक्के खाने से तो बेहतर है, यहाँ पे खाना पीना रहना सब फ्री है। इधर ऊपर से हवा, जो आपके एयर कंडीशनर है उसका भी कोई चार्जेस नहीं है, पानी फ्री है। तो बस यार थोड़ी सी मशक्कत करनी है आपको, बस, और कोई ज़्यादा इशू तो नहीं है मुझे नहीं लगता। और यहाँ पे दूसरी बात है कि हेल्थ का जो आपका पैसा होता है वेस्ट होता है, जो हेल्थ में कभी बुखार आ गया, जुकाम हो गया, तो ये यहाँ पे इतने इशू होते नहीं है, तो इसका पैसा भी आपको बहुत सेफ बन जाएगा। खैर, कोरोना को तो यहाँ आने में 2-3 हज़ार साल लग जाएंगे वो तब इन इलाकों को कवर कर पाएगा। ये इलाके ऐसे हैं जो ना तो कब अंग्रेज़ों ने कवर कर पाए, ना ही कोरोना ने। कोरोना क्या, कोरोना का दरअसल मुझे नहीं यार पता कि लोग अच्छा ब्लॉग कैसे बनाते हैं, अपना 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 स्टाइल होता है सबका यार। मुझे और आप लोगों को कैसा लग रहा है यार ये सब, क्योंकि मुझे तो ऐसा ही आता है, वैसे ही ब्लॉगिंग करता हूँ, क्या करें। और मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ये भी हमारे गांव वालों का है। ये यहाँ पे पास के जो गांव हैं वहाँ से लोग प्रवासी के रूप में रह रहे हैं, उन्होंने थोड़ा ऐसे ही रेस्ट हाउस बनाया एक। यहाँ पे पशु मवेशी सभी यहीं पे लेके आ गए, और ये है खदाड़ा के लोग। दरअसल यहाँ जो लोग रहते हैं, ये पास के गांव के धारकोट है वहाँ का नाम। और हमारे यहाँ एक प्रथा है, चाहे वो जान पहचान का हो ना हो, लेकिन हमारे यहाँ न्योता बोलते हैं उसको। जब आपके गांव में कोई त्यौहार हो तो पास का जो भी आपको मिलता है उसको हमारे यहाँ पहाड़ों में न्योता दिया जाता है कि आप हमारे यहाँ ज़रूर आएँ। तो खैर, इच्छा उनकी है, अगर आ भी जाता है, अब ये मत डरिए न्योता देना, अगर आ भी जाता है तो बाकायदा उसको अच्छे से उसकी खातिरदारी की जाती है। तो इस ये हमारे यहाँ चलन है, बड़े सीधा सफल और सरल ये हैं लोग हैं यहाँ पास के। हम लोग पैक हॉल घाटी, अब मैं दिखा रहा हूँ, ऊपर छाने हैं हमारे यहाँ भी, अब ऊपर चढ़ रहा हूँ, ज़रा छाने तक तो ले जाते हैं आपको। बाप रे, ये रास्ता जा रहा है यहाँ पे, यहाँ से भी है, पर ये चलता हूँ मैं, यहाँ चलता हूँ, थोड़ा आपको यहाँ से बाहर भी दिखाऊँ। यार यहाँ से चढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है, उधर से जाता हूँ मैं, थोड़ा पैर में दर्द हो रहा है आज। ये हमारी छानी पैक हॉल की, और ये पहुंच के हम लोग पैक हॉल। दूर दूर तक दिखता है, यहाँ हो सकता है यार कि बहुत तेज हवा बह रही होगी। मैं थोड़ा माइक कवर कर लेता हूँ, और ये दिखा रहा हूँ आपको, ये है पैक हॉल वैली। पैक हॉल बोलते हैं हमारे यहाँ, मेरे ज़मीनें हैं और बाकायदा अच्छे से अच्छे सुंदर खेत हैं, और इतना सुंदर है यहाँ पे कि जो रोड है यहाँ पे हमारे खेत के बीचों बीच से जाती है, यहाँ पे नीचे इस तरफ को, और जहाँ पे बकरियाँ आ रही उससे नीचे भी हमारा खेत है, दूसरे पड़ोसियों का है, और सामने गोठेबाग है उसके, इस यहाँ पे उस घाटी में हमारा गांव है यहाँ पे। तो खैर, गांव तक ले जाएंगे आप। तो इस तरह का है कुछ पैक हॉल, और यहाँ बहुत तेज़ हवाएं बहती है। मैं थोड़ा माइक कवर कर लिया हूँ, और इस तरह का है कुछ पैक हॉल दिखने में, और हमारी छानियाँ हैं और आसपास जो जंगल है वैसा दिखता है यहाँ से। लोकेशन बड़ी सुंदर है यहाँ की, चारों तरफ घुमा दिया मैंने कैमरा, और ये हमारे खेत हैं यहाँ पे, मटर बोया हमने यहाँ पे, और सामने किसी और का भी है, हमें हमारे गांव का है, और इस तरफ को नीचे बड़ी सुंदर जगह है ये भी। हालांकि क्या करें, हम लोग टूरिज़्म के लिए हम लोग डेवलप नहीं कर पाए अभी तक इसको, लेकिन फ्यूचर हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ तक लाएं। ये भी हम लोगों की मटर की खेती है, और पूरा खेत हमारा है, और यहाँ से इस सामने ग्रेटर हिमालय दिखता है इस तरफ। हमारे आलू, और आलू फिलहाल यार हमने निकाले, इस बार तो बारीक है, तो दिखा रहा हूँ, ये उधर तक हैं आलू की फसल, यार इस बार अच्छी हुई नहीं, हालांकि छोटे छोटे हैं कुछ। यहाँ ये गोठे बाग का है, और यहाँ से सामने पैक हॉल दिख रहा है, और इस तरफ को पूरा ये भी है, बड़ी सुंदर एरिया है, जगह है ये भी,
उनकी छानी हमारे यहाँ पठालियाँ होती है और भैंस भी इनकी यही है। तू ही आ देख ले। दिखता है गांव पूरा इस तरफ को, ये है हमारे गांव। गांव के किनारे आ गए और यहाँ से अब दिखता है पूरा नज़ारा गांव का। अरे सबसे पहले हमारा घर दिख रहा है पीले रंग में, फिर है मंदिर हीरा रघुनाथ और ये है पूरा गांव। इसी के साथ पहुँच गए घर पे गांव में और साथ में माँ मिली है। हाय हाय। तो ये है पहनावा, अभी इसे बांटू पहना है और ट्रेडिशनल अभी दिखाएंगे थोड़ी देर में।